हे गाइस, मैं हूँ मेघा। आप देख रहे हैं मेघा टिप्स एंड न्यूज। आज का फैमिली जो वीक था वही कंटिन्यू हुआ था। कल जो करणवीर बोहरा और उसकी वाइफ टीजे आए थे, करणवीर बोहरा की वाइफ टीजे एंड दो ट्वींस आए थे, बेला एंड वेना, उसी से आज का एपिसोड स्टार्ट हुआ था। बहुत ही क्यूट बेबीज के साथ ही कल भी एंड हुआ था और वही से आज स्टार्ट हुआ। वो दोनों डैडी 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 को छोड़ ही नहीं रहे थे। बहुत इमोशनल सीन था वो जाते समय। ऑलमोस्ट अब 3 मंथ होने आए हैं, फिर भी वो बच्चों को पता चलता है कि पापा इधर ही रहने वाले हैं या पापा अभी नहीं हमारे साथ आ रहे हैं, इसलिए वो दोनों रो रही है। और गेट बंद करते समय, बंद ही भी हुआ तो भी वो डैडी डैडी बोल के रो रहे थे। इतने छोटे बच्चे और डैडी के नाम से रोए तो किसी को भी रोना आएगा। बहुत ही रोना आ रहा था छोटे दो बच्चों को। और उसमें बेला तो बहुत ही रिस्पॉन्स कर रही थी, बहुत ही अच्छे से सबके सबको हाय बाय सब बोल रही थी। और वेना भी जाते समय डैडी डैडी बोल के रो रही थी। दोनों भी शर्ट पकड़ रहे थे करणवीर का, बहुत अच्छा लगा। टीजे तो एकदम डिसेंट और अच्छी है, कल भी मैंने बताया था बहुत ही अच्छी है टीजे। और उसके बाद आज का दिन शुरू हुआ था। सब लोग अब जिनके जिनके घर वाले नहीं आए हैं उनके लिए वेट कर रहे थे। और सोमी पूछ रही थी ड्रेस के बारे में, मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, ये ऑरेंज वाला, तो रोमिल उसको ऐसे ही बना रहे थे, आप बहुत ब्लैक लगते हो, मेकअप करो तो अच्छा लगते हो, नहीं तो ब्लैक लगते हो, ब्लैक लेयर पे लेयर डालते रहते हो। एक्चुअल में सोमी लेयर डालती है। और ऑरेंज ड्रेस ना पहनो, ये मैंने पहले पहना हुआ है ड्रेस, वही पहनू क्या, वो पूछते हैं। उन दोनों की नोकझोंक चलती है वहां पे। बाद में फिर से सोमी किचन में आती है, वहां पे दीपक भी था और रोमिल। कहीं ना कहीं आज हमें ये पता चला कि दीपक रोमिल से क्यों चिढ़ता है, ना कि वो रोहित वाली बात से। कहीं ना कहीं उसके मन में गुस्सा सोमी की बातों का भी है। जब आज रोमिल उसको बोल रहा था सोमी को, आप लेयर डालते हो, आप मेरे मेकअप पे मत आओ वगैरह बोलती है रोमिल को, सोमी रोमिल और रोहित को, तब दीपक गुस्सा हो जाता है, उसके फेस पे दिखता है बहुत गुस्सा है। उसने बंद करो बोला है तो बंद करो, उसको पसंद नहीं आ रहा है ना तो बंद करो। यानी कि उसको कहीं ना कहीं रोमिल और सोमी की जो नोकझोंक है, ज्यादा बॉन्डिंग बढ़ रही है, या रोमिल हद से ज्यादा जो उसको खींचता रहता है, उसकी जो टांग खींचता रहता है, वो कहीं ना कहीं दीपक को पसंद नहीं है, आज हमें पता चला। और रोहित भी बहुत आज उनको चिढ़ा रहा था, ये देखो इसका क्या चल रहा है, रोमिल को आके पूछ रही है। और फेस मास्क लगा के जब आता है रोहित, तो रोहित भी कहीं ना कहीं, हम ऑडियंस नहीं घर वाले भी उनको चिढ़ा रहे। फिर रोहित जाके चिढ़ाता है, तुमने मुझे नहीं पूछा, मुझे नहीं आए पूछने के लिए, रोमिल को क्यों आई पूछने के लिए। रोमिल यहाँ पे लेटा हुआ है तो उसको मारने के लिए दौड़ती है। और रोमिल भी बोलता है मेरा सिर दबा दो, बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज दबा दो सोमी, सिर दबा दो। तो सोमी बोलती है मेरा हाथ किचन का है, देखो चिली वगैरह पालक वगैरह का हाथ है मेरा। आज मेघा नहीं है तो सोमी ज्यादा दिख रही थी किचन में। मेघा, सोमी और दीपिका तीनों किचन संभालते थे, कहीं ना कहीं मेघा नहीं है तो दीपिका और सोमी थे वहां पे। उसके बाद वही वो फ्रीज स्टॉप प्ले वाला गेम शो चल रहा था बिग बॉस का, बहुत अच्छी तरह से सब लोग खेल रहे थे। सुरभि एंजॉय कर रही थी, बोले चूड़िया बोले कंगना उस बात पे, तो पॉज रिवाइंड फास्ट ऐसे बोल के बिग बॉस अच्छे खेल रहे थे। बाद में दीपक के ऊपर सब लोग डाल के उसको लिटाते हैं गंदे पानी में, उसको ऊपर से पानी डालते हैं, फिर से स्टॉप हो जाता है, फिर से रिवाइंड करने को बोलते बिग बॉस। बहुत हंसी मजाक चल रहा था सबका इसी टास्क के दरम्यान। उस टाइम पे सोमी रोमिल और दीपिका के घर वाले आने बाकी थे। उसके बाद आ जाते हैं रोमिल के घर वाले। रोमिल का ओजे हमने पहले भी देखा है, दीक्षा जी को भी पहले भी देखा है हमने, जो वीडियो में उनको लाया गया था। और वो दोनों फिर से आ जाते हैं और रोमिल लेटा हुआ था। रोमिल बहुत ऐसे एक्साइटेड नहीं लगा, बहुत ज्यादा एक्साइटेड ऐसे नहीं लगा, पता नहीं क्यों, या दीक्षा जी की बातों की वजह से पता नहीं क्या, लेकिन उसने एक्सपेक्ट किया था शायद घर वाले आएंगे। वो पूछता है पिताजी क्यों नहीं आए घर पे, सब कैसे हैं। लेकिन जब दीक्षा जी हमेशा बार बार एक ही लाइन बोलती है, सोमी आप सिस्टर हो, आप रोमिल की सिस्टर हो और सिस्टर की तरह आपने उन्हें सपोर्ट किया है, मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू फॉर दिस, मैं भाई दूज के लिए आपको गिफ्ट लाने वाली थी रोमिल की तरफ से, आप सिस्टर हो, बाप रे इतना हंसी आ रहा था। जितनी बार ऑडियंस ने रोमिल और सोमी के फैंस ने बहन बहन नहीं बोला है, उतनी बार दीक्षा जी आज बहन 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 बोल रही थी। और कहीं ना कहीं ये चीजें सोमी को भी गलत लगी, उसने बोला नहीं गलत, अच्छा ही बोला, लेकिन बाद में जब वो कैमरा से बात करती है, दीक्षा जी मैं आपसे बाहर आके मिलूंगी, कहीं ना कहीं दीक्षा जी आपने जो बोला, सब आने के बाद उसको पता चलता है, उतनी बार बहन 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 क्यों बोला उन्होंने।
देखने वालों को भी वियर्ड लग रहा था वो, कितनी बार उन्होंने बहन बोला। बाद में जब रोमिल आता है सबको बोलता है, सुरभि को भी वो जाके कुछ बोल देती है, मैं उनकी वाइफ हो, थोड़ा तमीज से बात किया करो, आप जब रिलेशन बनाते हो तो मेंटेन रखने के लिए आप भी थोड़ा सा एफर्ट ले लो। ये बात कहीं ना कहीं सही थी, सबको जाके बोल देते हैं, रोहित को, दीपक को, दीपक आपसे वो बहुत प्यार करते हैं, शशांक को, दीपिका, दीपिका कहाँ है, खुद दीक्षा जी पूछती है दीपिका कहाँ है, मुझे मिलना है, और दीपिका को जाके मिलके थैंक्स बोलती है। अभी अभी जो दीपिका का और रोमिल, श्री, मेघा, जसलीन का जो बॉन्ड बन गया था वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है रोमिल उसमें, एक्चुअल में हैप्पी क्लब से ज्यादा पॉजिटिव लग रहा है। वैसे भी वो हैप्पी क्लब में भी उभर के ही आ रहा था, हैप्पी क्लब में भी वो पॉजिटिव ही लग रहा था, उन सबसे ज्यादा अलग लगता है रोमिल, लेकिन फिर भी इन लोगों के साथ वो पॉजिटिव और थोड़ा सा पोकिंग टाइप, जो हमेशा पोकिंग करता है वो वाला बिहेवियर उसने छोड़ दिया था, इसलिए वो अच्छा लगने लगा था। और वही बात शायद दीक्षा जी को भी पसंद आई और दीक्षा जी दीपिका को आके बोलती है, और सेम बात शोएब भी बोलते हैं, और रोमिल ले लेता है ओजे को, रोमिल को प्ले करने के बाद ओजे के साथ ही खेलता है वो, दीक्षा जी खुद किस कर लेती है वहां पे, लिपस्टिक के निशान छोड़ देती है, और दीक्षा जी को वो खुद गले भी नहीं मिलता, रोमिल ऐसा क्यों करता है मुझे पता नहीं है, समझ में नहीं आ रहा था। दीक्षा जी की जगह पे वो सही है जो बाहर से, वो एक सेलिब्रिटी नहीं है दीक्षा जी, एक नॉर्मल वाइफ है, नॉर्मल वाइफ को अगर आप सोशल मीडिया पे इतने सारे कमेंट पढ़ोगे, इतने सारे, और आप खुद भी देख रहे हो एक ब्लैंकेट में दोनों बात कर रहे हैं, सोमी इतना पजेसिव हो रही है जसलीन के बारे में, हमेशा बार बार जाके रोमिल को बोल रही है मेरे लिए ऐसा नहीं करते, और जसलीन के लिए क्यों, जसलीन देखो एक गया तो दूसरा पकड़ा है, कोई भी वाइफ होती तो उनकी जगह पे ऐसे उनके मन में ख्याल आते ही, मुझे नहीं लगा था कि वो नेशनल टीवी पे खुद ऐसे 2 वीक के लिए रिएक्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने रिएक्ट कर दिया। लेकिन रोमिल मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऐसे बाकी लोगों की तरह नहीं लगा, उन्होंने खाली ओजे को हाथ में लिया, लेकिन दीक्षा जी के साथ ओजे के साथ उन्होंने इतना ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे पजेसिवनेस या बहुत ज्यादा इमोशंस नहीं दिखाए, शायद वो पहले भी एक बार मिल चुके थे, या शायद रोमिल को मन ही मन में ऐसा लग रहा था कि क्या गलती हो गई मुझसे, पिताजी क्यों नहीं आए, और वो जाने बाद वो बोल देता है दीपक को, मुझे आंखों से पहचान लिया मैंने दीक्षा के, कि वो बोल रही थी पिताजी नहीं आए वो, उस बात का शायद उनको बुरा लगा है, सोमी वाली बात का शायद उनको, क्योंकि वो एक कॉमनर की फैमिली है, कॉमनर की फैमिली को ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाली चीजें है, सेलिब्रिटी की फैमिली उसको हमेशा ही ये आदत रहती है, तो शायद वो पिताजी मेरे डिस्टर्ब है ऐसे उन्होंने दीपक के साथ बात करते समय रोमिल बोल गए। रोमिल जाके दीपिका और शशांक को बोल देते हैं, सब लोग आके सुरभि को क्यों बोल रहे हैं ऐसे, सब लोग सोचते हैं, सुरभि बहुत जोर जोर से रो रही थी, बहुत बुरा लग रहा था एक्चुअली सुरभि को, क्योंकि सब लोग अब्यूज करते हैं, सब लोग गालियां देते हैं, सब लोग सुरभि को क्यों जाके सुना रहे हैं, हर कोई आके सुरभि पे गुस्सा निकाल रहा है। एक्चुअली दीक्षा जी ने इतना ज्यादा कुछ बोला नहीं, लेकिन सुरभि सह नहीं पाई कल की बातें, आज की बातें, इसलिए सुरभि रो पड़ती है क्या करूं मैं। और शशांक पहले जाते हैं वहां पे, शशांक का मुझे बहुत अच्छा लगा नेचर ये, और शशांक दीपिका जाके समझाते हैं, रोमिल वहां पे पड़ा पड़ा हंसता भी है सोता है फिर से, उसका कुछ समझ ही नहीं आ रहा था आज। फिर बाद में वो सोमी और दोनों बात करते हैं, हाँ उसके बाद सभा आ जाती है, और सभा आने बाद सोमी भी कहीं ना कहीं शॉक हो जाती है, क्योंकि सोमी सुबह सुबह ही बोलती है कि मेरी मम्मी आएगी, मम्मी को ये ड्रेस पसंद आएगा, शायद उसने भी एक्सपेक्ट किया था कि मम्मी ही आएगी, कहीं ना कहीं हमने भी एक्सपेक्ट किया था कि सभा को छोड़ के कोई और आएगा, क्योंकि सभा ऑलरेडी आई थी या बिग बॉस में ही थी, वो पहले भी वो आ चुकी है और एक बार आएगी ऐसे नहीं लगा था, लेकिन ये शायद दे रोमिल और सोमी की बात समझाने के लिए सभा आई थी, पता नहीं क्या उनके फैमिलीज को लग रहा है। और सभा आके वही बोलती है कि लोग बहुत ज्यादा चीजें बोल देते हैं और लोगों को ऐसे कुछ कुछ लगता है, एक रिलेशन को नाम चाहिए, बहन या भाई, फ्रेंडशिप लोगों को हजम नहीं होती, और सोमी आप क्यों स्टैंड नहीं लेते, कहीं ना कहीं हमने देखा है कि सोमी हमेशा सबके ऊपर ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन रोमिल के ऊपर वो गुस्सा नहीं हो पा रही है, या फिर वो छोड़ देती है, लेट गो करती है चीजें, वही मुद्दा सभा ने बोला कि आप सबको कितना बोलते हो, किसी ने कुछ भी बोला आपको तो बदतमीज हो, ऐसे हो वैसे हो, बोलते हो आप, लेकिन रोमिल को क्यों नहीं बोलते, उन्होंने डायरेक्टली रोमिल के सामने ये चीज बोल दी, यानी कि उन्होंने इन शॉर्ट ऐसे कहा आप दोनों दूर रहो, अपना अपना गेम खेलो, बहन आप अच्छे से खेल रहे हो और अच्छे से खेलो, आपको कोई वीक बोल रहा है तो बाहर भी वीक ही पोट रहे होता है, तो आप क्यों नहीं स्टैंड लेते, और कहीं ना कहीं ये बात सही है, रोमिल
की तरफ उसका थोड़ा झुकाव है सोमी का, तो सोमी ने अच्छे से स्टैंड नहीं लिया था, उसको लेट गो किया था, जैसे वो शीशांत के ऊपर या दूसरे रोहित के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाती है, वैसे वो रोमिल के ऊपर नहीं हुई थी। और कहीं ना कहीं सोमी ये रोते रोते मान लेती है, जब से मुझे रोमिल ने मेरे फैमिली का वीडियो दिखाया तब से मैं उनके लिए खड़ी हो जाती हूँ, मैं खुद को उनके लिए खड़ी होना अपना फर्ज समझती हूँ। अगर आप सबको लगता है बहन भाई का रिश्ता तो ठीक है बहन भाई का रिश्ता, यानी ये रोमिल फैंस के लिए जवाब है। रोमिल ने कभी भी या सोमी ने कभी भी आज तक ऐसे नहीं बोला था कि हम दोनों भाई बहन है, फैंस ही बोलते आ रहे थे, उनको आज उल्टा बुरा लग रहा था, सब लोग आके उनको बोल रहे थे भाई बहन बोलो भाई बहन बोलो। और सुरभि ये बात क्लियर कर देती है, रोमिल मुझे पसंद नहीं है, फिर भी सोमी तुम्हारा और रोमिल का रिश्ता भाई बहन का नहीं हो सकता, दोस्त दोस्त होते हैं, भाई बहन होते हैं। ये बात आज सुरभि ने क्लियर कर दी, क्योंकि रोमिल सुरभि को बहन बोलता था, और ये मुझे सही लगा, सुरभि ने क्लियर कट बोल दिया कि भाई बहन एक अलग रिश्ता है और फ्रेंड्स एक अलग रिश्ता है, फ्रेंड्स फ्रेंड्स की जगह पे है। और उस बात पे रोमिल भी कुछ नहीं बोलते, रोमिल बोलते हैं जाके हम लोग बाहर सॉर्ट आउट करेंगे, अब आप अपना गेम खेलो, आप अपना गेम खेलो, दीक्षा जी और सभा के बाद से उससे हमें बहुत कुछ पता चला है। उसके बाद दीपक आके बहुत अच्छे से समझाता है रोमिल को, कहीं ना कहीं ऑडियंस को वही बातें पॉइंट आउट कर रहे थे, ऑडियंस वही बात दीपक को भी बुरी लग रही थी। दीपक आके बोलता है जो एक ब्लैंकेट में जाके बैठते हो आप, जितना पास पास जाके बैठते हो, रात में कैसे बात करते हो, एक बेड पे बैठना अलग बात है, और वही बात सेम बात केवी भी बोलता है, यानी कि आप हग कर रहे हो, एक डिस्टेंस मेंटेन होना चाहिए, मेरा और तुम्हारा कैसे डिस्टेंस मेंटेन है, एक बेड पे बैठ रहे हो तो सामने वाला बंदा मैरिड है या उसको खुद को भी ख्याल रखना चाहिए। तो सोमी को लगता है क्या बुरा हुआ, और वही बातें ज्यादा बुरी लगी है ऑडियंस को, बुरी मतलब उन्हीं बातों से ऑडियंस को बुरा लग रहा है कि उन दोनों का क्या, क्योंकि जसलीन के लिए उसने झगड़ा किया, एक नहीं दो तीन बार किया, उसके बाद एक दोनों का एक बेड पे एक ब्लैंकेट में रहना, और एक ब्लैंकेट में बातें करते हुए मेघा को बोलना कि मेरा बेड खाली कर दो मुझे नींद नहीं आती, वो थोड़ा वियर्ड था ना, एक लड़की आपको नहीं चाहिए और वियर्ड लग रहा था वो उसी बातों से शायद, और वही बात घरवाले भी वही बात देख रहे। तो केवी ने और दीपक ने वही बात रोमिल को समझा दी, रोमिल बोला कि ठीक है मैं आगे से ध्यान रखूंगा, और रोमिल वही बीच में ही जाके जेल के उधर जाके बहुत कुछ बातें बोलता है दीपक ने, दीपक मेरे लिए क्या है, मैंने बहुत कुछ किया है, ऐसा उनको क्यों लगा, वो तो दोगला है, वो बहुत बहुत कुछ कुछ बोलता है बीच में या, तो दीपक बोलता भी है फैमिली वीक में तुम्हें क्या हुआ है, बीच में ये क्यों बोल रहे हो। और फिर जाके सब लोगों ने समझाते है, दीपक और सोमी ही समझाते एक्चुअली। उसके बाद दीपिका और सुरभि बात कर रहे होते हैं, लेकिन दीपिका वहां भी अपना पर्सनल सीक्रेट बिल्कुल रिवील नहीं करती, सुरभि पूछती है क्या हुआ था, शोएब मेरे लिए बहुत मायने रखता है, शोएब ने मुझे खड़ा किया है, मेरा बैकबोन है, उसकी वजह से मैं जी रही हूं, मैं जीने का मतलब भूल गई थी, ऐसे कुछ कुछ बोलती है दीपिका, लेकिन सुरभि बहुत पूछती है उसको क्या हुआ था, लेकिन दीपिका बताती नहीं। हम सबको बहुत सारे व्यूवर्स को पता होगा कि दीपिका का पहले क्या हुआ था, वो उसका डिवोर्स वगैरह कुछ तो हुआ था, लेकिन क्यों हुआ था ये मुझे भी नहीं पता है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ था और बाद में शोएब उनको मिले हैं, उसके बारे में उन्होंने कुछ भी रिवील नहीं किया है शो में, वो ऐसे विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करना चाहती, शायद इसलिए उन्होंने अपना कुछ भी नहीं बोला है। और दीपिका एक शीशांत को शोएब के लिए शायरी सुना देती है, बहुत वेट कर रही हूँ, आओ शोएब भेज दो बिग बॉस, उन्हें बोल देती है, लेकिन वो आते ही नहीं। जब दीपिका का शेर खत्म हो जाता है तो शोएब का शेर स्टार्ट हो जाता है, शोएब का आवाज भी एकदम अलग ही, और इतना रोमांटिक मूड में वो दीपिका के लिए शायरी बोल देते हैं, सब लोग उधर बेंच पे आके जैसे बैठते पिक्चर देखने वैसे सब लोग आके बैठ जाते हैं। करणवीर आ जाता है, रोहित आ जाता है, शीशांत, सोमी भी साइड में खड़ी थी, सुरभि, सब लोग देखते हैं उन दोनों को, और एक्चुअल में 5 मिनट में एक मूवी जैसा उनका सीन लगा, एकदम आते ही दोनों की शायरी, उसका दौड़ के आना, दीपिका का वेट करना, दीपिका को पॉज किया था, वो जाके सबको इतने पॉजिटिवली राय देता है सबको, सुरभि को भी वो पॉजिटिवली बोलता है कि आपको इस शो से बाहर आने बाद उसका कुछ बैड इफेक्ट नहीं पड़े आपको, इसका आप ध्यान रखें। और दीपिका को वो बहुत अच्छे से बोलता है, आपको कोई भी फेक बोले लेकिन आप फेक बिल्कुल नहीं हो, मुझे पता है आपका एंगल क्या है, आप कैसे हो और जैसी हो मुझे बहुत पसंद हो, वैसे ही खेलो, आप बहुत स्ट्रांग हो, यहाँ पे कोई भी जीते कोई भी हारे लेकिन आप बहुत अच्छा खेल रहे हो और जीत का जज्बा है आप में। और दीपिका करणवीर को बोल देता है, दीपिका आपके बारे में बहुत अच्छा सोचती है, रोमिल को बोलता है श्री और दीपिका के बाद में, अगर मैं किसी को जीतने के लिए दुआ करूंगा तो आपके लिए,
बहुत अच्छी अच्छी चीजें शोएब बोलते हैं और उन दोनों का बॉन्ड भी कितना अच्छा है, वो आंखों से ही पता चल रहा था कि वो न्यूली मैरिड है। और दीपिका भी बोल रही थी, बैग कर रही थी कि प्लीज बिग बॉस मुझे प्ले कर दो, प्ले कर दो। सोमी के साथ भी फ्लर्टिंग हो जाता है उनका। सोमी ने पहले कहा था कि मुझे शोएब के साथ डेट करनी है, तो शोएब बोल देते हैं दीपिका अरेंज करेगी बिग बॉस के बाद। वही एक हंसी मजाक हुआ। श्री को आके बोल देते हैं कि वो हमारे साले साहब हो गए आप। देखो दीपिका, किसी के साथ इतना इमिडिएटली ऐसे अटैच नहीं होती। आप उन कम लोगों में से हो जिनसे दीपिका का बॉन्ड हुआ है, बहुत कम लोगों के साथ वो बॉन्ड बना पाती है। और दीपिका को एकदम अच्छे से बोलते हैं, शोएब आप टास्क क्यों नहीं करती, करो करो, हमारे लिए टास्क करने हैं आपको, करो। इतना अच्छे से बोल देते हैं। और कल का उनका और बहुत रोमांटिक ड्रामा होने वाला है, लेकिन बिग बॉस ने बीच में ही काट दिया सब, और वहां पे ही आज का एपिसोड खत्म हो गया। और ऐसे फैमिली वीक था, और कल फैमिली वीक खत्म होने बाद कल नॉमिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। इनका जो रोमांटिक सीन है कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद नॉमिनेशंस है। नॉमिनेशंस की चीजें अभी पता चली है हमें, रोहित करणवीर और क्या नाम है सोमी, रोहित सोमी और करणवीर नॉमिनेट हो चुके हैं। और कौन कौन होगा ये पता चलेगा कल। ये तीन नाम तो अभी पता चल चुके हैं, इसके बाद मैं वीडियो बनाऊंगी, उसमें बता दूंगी कि कौन कौन नॉमिनेट हो चुका है। प्लीज मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन हिट करना। टेक केयर, बाय।